नमस्कार, स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कांग्रेस द्वारा आगामी बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सीएम मनोहर लाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए कांग्रेस नेता सरकार की बात तो सुनेंगे, वहीं उन्होंने रेवाड़ी हिम्स को लेकर कहा कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री शिलान्यास करने आ रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले भी वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि हर 6 महीने बाद जब भी कोई सेशन आए उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाएं ताकि हमारी कई बातों को वो सुन सकें, अन्यथा तो किसी भी सेशन में वो लोग केवल बोलते बोलते सुनते नहीं हैं। अविश्वास प्रस्ताव वाला सेशन ऐसा होता है, स्वाभाविक है विपक्ष में उसको सुनना भी पड़ता है। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि हमारे किए हुए काम जो हमने जनता को बताने थे वो सुनते ना सुनते, लेकिन इस बार अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो मजबूरी में उनको सुनना पड़ेगा और हो सकता है सुनने के बाद कोई प्रभाव पड़ जाए और किसी का मन पाला बदलने का हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जो रेवाड़ी जिले में एम्स की जो योजना बहुत वर्षों से अधर में लटकी थी, कहें जमीन के कारण से, कुछ फॉरेस्ट के कारण से, लेकिन सब चीज़ों का रास्ता वो साफ हो गया है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी मिल गई है, जमीन की भी जो पंचायत ने देनी थी वो दे दी है और उसका टेंडर भी हो गया है और प्रधानमंत्री जी 16 फरवरी को उसका शिलान्यास करेंगे। साथ ही अन्य कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमने उनको भेजे हैं, जो जो उनकी ओर से हमें स्वीकृति मिलेगी उन संस्थानों का भी शिलान्यास अथवा उद्घाटन